अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग विद अंबर। तो आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी वगैरह नहीं शेयर करने वाली हूँ, बट जब भी मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर या लंच के लिए जाती हूँ, कोई अच्छा फूड या टेस्ट नज़र आए तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये बट कढ़ाई तिक्का हम पहुँच चुके हैं, ये आउटडोर इनकी सिटिंग है, ज़बरदस्त, बहुत सफाई है। और यहाँ पे चिकन कढ़ाई जो है रेडी हो रही है, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और बहुत सी वैरायटी है, देसी चिकन कढ़ाई भी अवेलेबल है यहाँ पे। आप अपने सामने ओपन जो किचन है इनका, इसमें आप जो फूड है रेडी करवा सकते हैं। यहाँ पे टिक्का कबाब बन रहे हैं, बारबेक्यू बन रहा है, इसके अलावा आप इंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटी और नान को, तो बहुत ही ज़बरदस्त। अभी आपको मैंने बाहर की सिटिंग दिखाई है आउटडोर, अभी हम मैं आपको फैमिली हॉल में लेके जाती हूँ। तो ये फैमिली हॉल में हम एंटर हो चुके हैं, तो माशाल्लाह से बहुत ही नीट एंड क्लीन जगह है और एयर कंडीशनड है। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे फूड को बड़े अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और अगर इजी कुकिंग विद अंबर के रेफरेंस से आप जाते हैं और मेंशन करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा फूड पे। ये चिकन कढ़ाई हमारी आ चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, टेस्ट भी बहुत ही आला लग रहा है। और गर्मा गर्म नान, रोटी, सैलड, रायता, तंदूरी रोटी है ये, चिकन कबाब जो है बड़े स्पाइसी हैं, और अगर आप स्पाइसी खाने के शौकीन हैं तो टिक्का बोटी और चिकन कबाब ज़बरदस्त हैं। और अगर रेट्स की बात की जाए तो रेट्स के लिस्ट आपके सामने हैं, बाज़ार से या मार्केट से काफ़ी कम रेट्स पे हैं। और ये दलाल भट्ट साहब हैं, इनकी ये रेस्टोरेंट है। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आप ज़रूर विज़िट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।